तैयार हो आप सब लोग, तैयार हो जाओ, एक दो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम इस ब्लॉग में करने जा रहे हैं ऐसा एक्सपेरिमेंट, ना ही आपने कभी सोचा होगा, अगर सोचा भी होगा तो ट्राई नहीं किया होगा। बड़ा ब्लास्ट हो सकता है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो हम देखते हैं ये सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक लाइक जरूर ठोके और कमेंट में बताएं कि आपने ये पहले कभी देखा है या नहीं। तो ये है सब मटेरियल जितना भी है मेरे पास, एक मैच बॉक्स, और ये हमने पहले से ही इसका जो मसाला था, मतलब रेड फॉस्फोरस क्लोरेट जो कि होता है एक मैच बॉक्स की ऊपर वाली नोक पे, 45 दो डिब्बी या तीन डिब्बी माचिस की खराब और 45 से 150 तक की ये स्पीड। तो उसके बाद इसको आपने एक इकट्ठा कर लेना बहुत सारा। ये है नट और बोल्ट भी, 3 टाइप के हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो ये आपको बहुत आसानी से हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएंगे और बहुत ही सस्ते दाम पर। ये एक्सपेरिमेंट में करेंगे हम 3 धमाके, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कम आवाज आएगी और इसमें इससे थोड़ी ज़्यादा, और इसमें आपको पूरा ब्लास्ट। तो इन सभी के साथ हम लाएंगे हथौड़ा, जो कि अब ये जैसे कि इस पर मारेंगे तभी जाकर ब्लास्ट होगा। पत्थर से यूज़ नहीं करना है क्योंकि पत्थर भी टूट सकता है। तो आप लोग तैयार हो ये एक्सपेरिमेंट देखने के लिए, देखते हैं कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है इस 3 नट और बोल्ट से। अब करने जा रहे हैं हम एक छोटे से नट बोल्ट के साथ, देखते हैं इससे कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। सबसे पहले आपको इसमें ये डाल देना है, बस इतना ही डालना है ताकि इसका जो है ऊपर वाला साइज इसमें आसानी से फिट हो जाए। अब मैं जा रहा हूँ इसके साथ ये ब्लास्ट करने, देखता हूँ ये ब्लास्ट हमारा सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर ये ब्लास्ट सक्सेसफुल हुआ तो बाकी दो वाले भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तैयार हो आप सब लोग, तैयार हो जाओ, एक दो। तो आपने धमाका सुना ब्लास्ट, उसके चक्कर में, धमाके दिखाने के चक्कर में मेरा ये बोल्ट जो इसका ऊपर वाला साइड था अभी तक हमें नहीं मिला है। इधर चले गया वो, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इधर चले गया वो मोमेंट। तो इसके साथ जो हमने किया था वो तो सक्सेसफुल हुआ, अब हम दिखाते हैं ये सक्सेसफुल होगा या नहीं और कितना। करते हैं मीडियम साइज के नट और बोल्ट से और देखते हैं इसमें कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तो ये हो चुका है अब रेडी, तो देखते हैं इसमें कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तैयार हो जाओ ये वाला भी धमाका देखने के लिए, क्योंकि पहला वाला हमें नट उसका मिला नहीं, वो तो हमारा खो चुका है। अब इसका देखते हैं, तो मैं जिधर बैठा हुआ था, मैं तो इधर बैठा हुआ था और कम से कम इतनी दूरी पे आके ये बोल्ट पड़ा हुआ है, वो तो सही हुआ, पिछली वाली की तरह खोया नहीं है, ये तो हमें मिल गया है सही सलामत। अब रेड फॉस्फोरस में कितनी ताकत है, और इसमें जब हमने हथौड़ी से ये फोर्स लगाया तो इसका देख सकते हो आप बदल गया, मतलब अब इतना ये फंस चुका है ना इसमें, अब निकलना मुश्किल लग रहा है मुझे। इसके साथ का था वो तो कहीं गायब हो चुका है, हमने ये पहले किया था और दूसरे वाले का साथ मतलब ये था, और इसका तो हमें मिल चुका है और टेढ़ा हो किया था जो हमने निकाल लिया, सही कर लिया। बारी है तीसरे की, जो कि है सबसे बड़ा, देखते हैं इसमें कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला। तो अब हो जाओ फिर एक बार तैयार, अब होने वाला है इसमें सबसे बड़ा धमाका, और मुझे डर भी काफ़ी लग रहा है कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, तो मैं इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस लेता हूँ इतनी दूरी पे, और ये है और यहाँ से मुझे मारना पड़ेगा। तो गाइस, जो हमारा एक बोल्ट था वो तो हमारा चला गया उस खेत में, और जो मैं दिखा देता हूँ दूसरा वाला था उसका साथी वो है इधर, इतना बड़ा धमाका हुआ कि वो देखिए उस वाले खेत में जा चुका है। अब मैं भेजता हूँ हर्षित को, वो लेने जाएगा उस खेत में। ये पहुंच चुका है हर्षित, मैं करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा जूम, ये ढूंढ रहा है, ढूंढ, तो ये मिल चुका है इसे बोल्ट। तो आखिर ये ढूंढ के लिए आया है उस वाले खेत में से, और देख लो कितनी ऊंचाई से जाके नीचे गिरा, और देखो पूरा पूरा मिट्टी में हो चुका है। गाइस, था आज का ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट, शायद आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में जो हर दिन कुछ अलग और कुछ नया होगा। बाय बाय।